मानुष्य के मित्रों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम डॉक्टर शंकर शरण जी से बात करने जा रहे हैं, जो कि जाने माने लेखक हैं, कॉलमनिस्ट हैं और विशेषकर हिंदी अखबारों में इनके बहुत ही लोकप्रिय लेख छपते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मेरी तरह JNU सर्वाइवर हैं। वहीं से इन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल साइंस में MPhil और PhD की। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही गरमाया हुआ विषय है। डॉक्टर शरण, मैं आपसे बात करने जा रही हूँ RSS की, और उसके बारे में भी कुछ ऐसे पहलुओं पर जो कि वाकई ही हैरान परेशान करने वाले हैं, क्योंकि कई दशकों तक हमने देखा, मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में तो ये होता था कि RSS को बाहर वाले आक्रमण करते थे, भला बुरा कहते थे और उन पे टीका टिप्पणी अक्सर बहुत ही अभद्र किस्म की भी होती थी। इन्होंने बहुत अपमान झेला, गाली गलौज झेली नेहरू के समय से, और कई वर्षों तक तो बिल्कुल आज़ादी के बाद दुबक के बैठना पड़ा, क्योंकि नेहरूवियन कांग्रेस का इन पे बहुत ही अधिक आक्रामक रवैया रहता था। परंतु पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर पिछले 4-5 वर्षों से, जब से मोदी सरकार आई है, तो पहले पहल तो RSS का जो प्रोफाइल था एकदम उछाल में गया और लोगों को लगा कि अगर एक ये दूसरा स्वयं सेवक है वाजपेयी के बाद जो कि प्रधानमंत्री बन रहा है, तो बहुत लोगों को उत्सुकता भी पैदा हुई, जो मोदी एक कल्ट फिगर के रूप में निकले थे, कि RSS में कोई बहुत ही विशेषता होगी जो एक सामान्य घर के बच्चे को या व्यक्ति को, जो एक चाय बेचने वाले के बेटे थे, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो मोदी जी की वजह से RSS के प्रति पहले 3-4 वर्षों में उत्सुकता बढ़ी और जो नेगेटिविटी थी थोड़ी कम हुई। परंतु पिछले 4 वर्षों से, विशेषकर मैं कहूंगी कि RSS के प्रति डिससैटिस्फैक्शन, उनके प्रति गुस्से की भावना, ये बाहर से इतनी नहीं आ रही आज के दिन जितनी अंदर से आ रही है। आज RSS का कार्यकर्ता, BJP का कार्यकर्ता जितना दुखी है अपने संगठन से और अपने नेताओं की टीका टिप्पणी से। अभी हाल ही में जो भागवत जी ने कह डाला कि हिंदू मुसलमान DNA एक है, तो बिल्कुल एक है, तो कोई फर्क नहीं है, और इस्लाम के बगैर भारतीय राष्ट्र अधूरा है, इस तरह के कई अजीब अजीब बयान दिए गए जो कि किसी के समझ में नहीं आ रहे। दूसरा, सिर्फ बयान नहीं दिए गए, जो कई इनिशिएटिव भी RSS ने अपनी सेक्युलर छवि बनाने के लिए किए, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो बनाया है और उसकी जो परिभाषा है, इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ द मुस्लिम्स फॉर द मुस्लिम्स बाय द मुस्लिम्स, ये जिन्ना की परिभाषा थी मुस्लिम लीग के बारे में, और RSS द्वारा फ्लोटेड संगठन की जब ये परिभाषा दी जा रही है, तो जाहिर है कि लोग चौकन्ने भी हुए और बहुत दुखी भी हुए कि जिन मूल्यों के साथ RSS 1985 में उसकी संरचना हुई थी, क्या वो मूल्य आज भी बरकरार हैं, कि RSS कोई एक नया ही रूप धारण कर चुकी है, कि यह नया अवतार है RSS का। इसी बात पर हम डॉक्टर शरण से बात करेंगे। डॉक्टर शरण, आप ही बताइए कि सत्ता में आके तो अक्सर दुश्मन भी सज्जन बन जाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाए क्योंकि आप सत्ता में हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है कि इनके अंदरूनी जिन वो जो केडर है, जिसने सारी जिंदगी भी लगा दी, अभी आपने सुना होगा जिस किस्म की तीखी टिप्पणी नागेश्वर राव जी ने की कि RSS needs to be rescued from its leaders,
और अगर ये बदलता नहीं है इट्स बेटर दैट इट पेरिशेस। इसी किस्म से संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग्स वाले, वो भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं आरएसएस के पतन पर और आरएसएस की विकृतियों पर। तीसरे आप ही के साथी हैं जो आपके साथ बहुत प्रोग्राम्स में आए, विनय कृष्ण चतुर्वेदी तुफैल जी, वो भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं जिंदगी भर, और जिस किस्म की तीखी बातें वो आरएसएस के विरोध में आज करते हैं या उससे नाराजगी जो उनको है, इसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि आरएसएस वाकई ही अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल से बहुत दूर जा चुका है, कि उम्मीदें हिंदुओं की बढ़ गई हैं और वो उन नई बढ़ी हुई उम्मीदों पर आरएसएस खरी नहीं उतर पा रहे? ओवर टू यू। धन्यवाद मधु जी। वैसे तो मैंने आरएसएस का कोई अलग से कोई अध्ययन नहीं किया है, मैं कोई उसका विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो व्याख्यान भागवत जी का प्रसिद्ध हुआ और जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, उसमें उन्होंने स्वयं ही शुरू में कह दिया कि आरएसएस जैसा था जो लोग उसको समझते हैं वैसा ही है। तो जो लोग उसको समझते हैं, अगर ये इसी डिफिनेशन को काफ़ी माना जाए, तो मैं भी लोगों में से हूँ और मेरा अपना मैं जो समझता रहा हूँ, पॉलिटिकल लेख लिखता रहा हूँ, पॉलिटिकल गतिविधियों पर नज़र रखता रहा हूँ, और आरएसएस के बारे में पूरी जानकारी मेरी मीडिया के थ्रू ही रही अधिकांश, बहुत बाद में, मुझे लगता है जब वाजपेयी गवर्नमेंट बनी थी तब आरएसएस के ही कुछ बड़े लोगों ने, नेताओं ने संपर्क किया यही लिखने पढ़ने वाली बात को लेकर। तो फिर धीरे धीरे कुछ लोगों से मेलजोल भी हुआ, यही व्याख्यान, गोष्ठियाँ, पुस्तकें इत्यादि। तो उस सर्किल से जो आरएसएस और बीजेपी के पढ़ने लिखने वाले नेता या कार्यकर्ता या संगठन हैं, उनसे कुछ रब्त जब्त इस तरह की हुई, यही सिर्फ कार्यक्रमों में। तो ये दो मेरे स्रोत हैं उनके बारे में समझ के, एक तो जो मीडिया में उनके बारे में रहा हमेशा से, और वो मैं पीछे से पुराना भी मैंने पढ़ा या सुना, और जो मेरा अनुभव है पिछले 20 सालों का उनके साथ, जिसको कहा जाए कि बहुत अंतरंग इंटरेक्शन नहीं, लेकिन बस यही गोष्ठियों वाला, मिलने जुलने वाला, बातचीत वाला, और फिर उनके कार्यकर्ता समर्थक जो ग्राउंड वर्कर हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है जिनसे संपर्क हुआ, क्योंकि सारा कार्यक्रम तो वही ऑर्गेनाइज करते हैं जिन कार्यक्रमों में मैं जाता रहा, तो उनमें बहुत लोग थे। तो ये कुल मिला करके जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ये आपने ठीक कहा कि वो स्वतंत्रता के समय से ही, गांधी जी की हत्या के बाद से ही जो इनकी बदनामी की गई हिंदू महासभा की, और चूंकि आरएसएस हिंदू संगठन के रूप में प्रसिद्ध था और उनको गोडसे को, चूंकि वो पूर्व आरएसएस के व्यक्ति थे तो उनको भी लपेटा गया, जबकि आरएसएस से जिस समय गोडसे ने अपना काम किया हत्याकांड, उस समय उनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, लेकिन चूंकि नेहरूवाद को या हिंदू विरोधियों को इस बात में, इस बात का बहुत फायदा उठाना था कि जो भी हिंदू संगठन है, जो भी हिंदू लोग हैं, सबको इतना डिमोरलाइज किया जाए, उनको इतना बदनाम किया जाए, और गांधी जी की प्रसिद्धि और गांधी जी के की जो महात्मा छवि थी और एक ड्रामेटिक जो उनकी मृत्यु हुई, इस पूरे वातावरण में उनको एक झूठी बदनामी उनके सिर पर थोपी गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी भी मिस्टेक है, आरएसएस की भी मिस्टेक है, उनके लीडरशिप की भी मिस्टेक है, कि जो काम उन्होंने नहीं किया था उसके बाद उनको दुबकने की बजाय अगर वो डट करके खड़े होते और गांधीवाद की भी आलोचना करते और जो गोडसे ने बातें कही थी जिसको वो बाद में अपनी शाखाओं में लंबे समय तक लोगों को पढ़ने देते रहे, क्योंकि कुछ हद तक उससे उनकी सहानुभूति जरूर थी, लेकिन उसमें आरएसएस अकेला नहीं था, डॉक्टर अम्बेडकर की सहानुभूति थी गोडसे के भावना से, उसके काम की किसी, उसके काम से किसी को सहानुभूति नहीं थी, लेकिन जिस भावना से उन्होंने ये किया गोडसे ने,
वो भावना तो देशभक्ति की थी, धर्म धर्म रक्षा की थी, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जिस भावना से भगत सिंह ने काम किया, जिस भावना से चंद्रशेखर आजाद ने काम किया, ढींगरा ने काम किया, उसी भावना से इन्होंने काम किया। क्योंकि चूंकि इनकी करनी से एक देश का सबसे सम्मानित, सबसे वरिष्ठ नेता की मृत्यु हुई, इसलिए और फिर ये जो राजनीतिक जो सत्ता थी उसने इसको एक दूसरे तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फंडामेंटल गलती थी कि जो इस काम में आप शामिल नहीं थे, जिसमें आपकी कोई योगदान नहीं है, तो आपके दुबक जाने से, डर जाने से, चुप हो जाने से उल्टा वो आरोप ज्यादा ज्यादा बैठ गया, झूठा नहीं। और उन्होंने अपने को सही से डिफेंड भी नहीं किया, क्योंकि इस देश में डेफोमेशन का कानून है और डेफोमेशन का कानून आपके हाथ आ सकता था। हाँ, वो भी करता था। आज भी मतलब उसके बहुत तरीके थे। हाँ, बहुत तरीके थे डट के ये कहने किए कि भाई हम इस कृत्य से ना हमारा कोई संबंध है, ना इस कृत्य की हम प्रशंसा करते हैं, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा नाम इसमें झूठा डाला जा रहा है। अगर इसको वो डट के कहते तो मैं नहीं समझता हूँ कि नेहरूवाद को या नेहरू गवर्नमेंट को इतनी आसानी हुई होती या वामपंथियों को। इनके दब जाने से ही वो आसानी हुई। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पिछले ये जो नए मीडिया के उभार के बाद दोनों बातें हुई हैं, और बल्कि वो गोधरा के बाद से जो अभियान चला, बल्कि उससे पहले अयोध्या आंदोलन के समय से धीरे धीरे सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध और हिंदुओं को दबाना, ये धीरे धीरे अपने आप लोगों के मन में गुस्सा भरता गया, और इसका रिफ्लेक्टेड लाभ आरएसएस और भाजपा को मिला। इससे उनके प्रति एक सहानुभूति भी बढ़ी, और उनके प्रति जो ये झूठा प्रचार होता रहा था कि ये फासिस्ट हैं, ये तो खा जाएंगे। मुझे याद है वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, रोमिला थापर या इसी तरह किसी एक बड़े व्यक्ति का, हरबंश मुखिया का कोई बड़े मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन था, उन्होंने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए, हाँ ये 97-96 की बात है जब वाजपेयी जी आए नहीं थे, लेकिन ये अब दिखने लगा था कि ये सत्ता के नजदीक पहुंच रहे। तो वामपंथियों ने ऐसा प्रचार किया कि अगर ये लोग आ गए तब तो आग लग जाएगी और ये मुसलमानों को तो समुद्र में डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इस तरह के झूठे प्रचार की कलई धीरे धीरे समय के साथ अपने आप खुली, लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया भी हुई। नहीं नहीं नहीं, नहीं खुली। मैं डॉक्टर शरण इससे सहमत इसलिए नहीं हूं जी, क्योंकि इनको सीरियसली फासिस्ट केवल लूजली नहीं कहा जाता कि किसी ने लूजली बहस में कर दिया हो या टिप्पणी कर दी हो भाषण में, चुनावी भाषण में। ये तो किताबों में लिखा जाता है इनके बारे में। आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ISHR, एकेडमिक जर्नल्स जितने देखें, एकेडमिक बुक्स जितनी देखें हिंदुस्तान के बारे में, जहां आरएसएस का नाम आया तो वहां हिंदुत्ववाद के साथ फासिज्म टर्म जुड़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ से तो सच में पूछो इतने दब्बू दिखते हैं, अपने कभी डिफेंस भी नहीं की, ना तब गांधी जी की हत्या के वक्त ढंग से अग्रेशन के साथ, कहाँ इन्होंने अपनी डिफेंस की, लीगली भी नहीं की, सामाजिक भी नहीं की, और लिखित में भी नहीं की। कोई ऐसे उच्च कोटि के इनके लेखक हों जिन्होंने इसको चैलेंज किया, वो भी नहीं किया। इंटेलेक्चुअली नहीं की, सोशली नहीं की, मीडिया के द्वारा नहीं की, एकेडेमिया के द्वारा नहीं की, और मार खाते रहे, अपमान झेलते रहे जी। तो ये इनमें कभी वो हिटलेरियन फासिस्ट तत्व थे कि सिर्फ वो काली टोपी पहन ली और वो जो है ना ये वाला सल्यूट जो करते हैं फासिस्ट, क्या वहीं तक इनकी फासिज्म सीमित है? और इतने दब्बू लोगों पर ये फासिज्म का कैसे मर दिया जाता है इतनी बड़ी तोहमत? कभी इन्होंने कुछ किया है ऐसा? क्या मैंने कभी अभी तक नहीं देखा कि इन्होंने अच्छे से लाठियां भी भांजी हो? वो जो लाठी तो सिर्फ शाखा में शायद घुमाते फिरा है, कहां इन्होंने लाठियों से भी किसके सिर फोड़े हैं मुझे नहीं मालूम। बल्कि
जहां जहां जब जब कांग्रेस की हकूमतें होती थी दंगे तो वहां तब होते थे, जहां बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत रही है वहां तो दंगे भी नहीं होते। और दंगों में जाके अग्रसर होके किसी के घर को जलाना, मुसलमानों से टक्कर लेना, मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक मैंने ना सुना ना देखा। तो ये फासिज्म कम से कम कभी तो दिखाएं अगर है, और नहीं है तो चैलेंज करने की तो औकात रखें। असल यही समस्या है कि इनके बारे में जो दोनों तरह की जो छवि थी कि ये हिंदू संगठन है, हिंदुओं के हित के लिए लड़ते हैं, हिंदुओं को ये खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी छवि कि ये हिंदू फासिस्ट है, ये जैसा हिटलर था, ये मुझे लगता है ये दोनों छवियां हाल के वर्षों में धीरे धीरे बदली हैं। आपने ठीक कहा कि ये एकेडमिक जो वर्ग है उसने बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं किया और उसका बस चले तो आज भी उनको फासिस्ट कहे, लेकिन स्थिति ये है। नहीं नहीं, क्या है, क्या हर उनकी पुस्तक में आज भी वो फासिस्ट है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है किताबें। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अब उसकी जो धार है वो अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि जितनी प्रतिष्ठा उनको मीडिया में और एकेडमिया में पहले थी वो निश्चित रूप से गिरी है। और उसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने संघ के बारे, आरएसएस बीजेपी के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में और मीडियवल हिस्ट्री के बारे में खासकर जितनी बातें उन्होंने कही थी वो ओवर द ईयर्स सोशल मीडिया के कारण और इंटरनेट के कारण अपने आप बहुत चीज़ें लोग जानने लगे जो पहले उनके पास जानने के स्रोत नहीं थे, जांचने के स्रोत नहीं थे। तो ये वो आम जनता में जिसमें ये शिक्षित लोग भी हैं, मीडिया में जितना प्रभाव लेफ्ट का 20 साल पहले था वो धीरे धीरे उतना नहीं रहा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन करने वाले लोग हुए, क्योंकि उनको वामपंथी सहानुभूति के बावजूद जब उनको हार्ड फैक्ट सामने आते थे तो एज ए जर्नलिस्ट ये उनका धर्म था कि वो उससे पूछे। और जब जब उन्होंने ऐसा ट्राई किया तो उन्होंने खुद पाया कि ये सारे मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल बोलने में बहुत बहादुर हैं लेकिन उनके पास एविडेंस नाम की चीज़ नहीं है और वो प्रोपेगेंडिस्ट ज़्यादा है। तो बावजूद इसके कि आरएसएस बीजेपी की तरफ से कोई डिफेंस नहीं हुआ, लेकिन बौद्धिक क्षेत्र में और फिर ये इक्का दुक्का लोग वॉइस ऑफ इंडिया से जिन्होंने शिक्षा ली, राम सीताराम गोयल और राम स्वरूप जी से, चाहे वो स्वपन दास गुप्ता हो, चाहे इस तरह के और लोग हैं, कंचन गुप्ता थे और छोटे मोटे जितने लोग थे, धीरे धीरे मीडिया में इंटरवेंशन होता गया, आपने किया और भी तरह के लोगों ने किया, और वो कम से कम जो कॉमन जर्नलिस्ट क्लास है उसमें ये इम्प्रेशन आ गया कि वामपंथी हिस्टोरियंस या मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जितना बड़ा दावा करते हैं उतनी बड़ी वास्तव में उनकी हैसियत है नहीं। जब तक पोस्ट थी तब तक एक बात थी, लेकिन जब ये पोस्ट छिन गई खास करके ये वाजपेयी गवर्नमेंट के बाद और ये जब इन्होंने सीपीएम ने इनसे अपना निस्ता तोड़ लिया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से, तब तो इन्होंने अपने आप को खुद ही सत्ता से बाहर कर लिया, तो धीरे धीरे ये कमजोर होते गए। और वो गोधरा के बाद भी जो उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा था इनफैक्ट वो उल्टा ही हुआ, वो इतना अधिक हुआ कि अंततः उसका लाभ भाजपा और संघ को ही हुआ कि उनको झूठा बदनाम किया गया है और जो मूल कारण है उसको छोड़ दिया गया और सिर्फ प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया गया और उस प्रतिक्रिया को भी जबरदस्ती एक संगठन से जोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है ये दोनों प्रक्रिया हुई है कि उन पर जो फासिस्ट होने की का चार्ज था वो आम जनता में जिसमें शिक्षित लोग भी हैं वो कमजोर हुआ। लेकिन खुद तो नहीं, खुद तो आरएसएस इस प्रोपेगेंडा को झूठला नहीं सका, चैलेंज नहीं कर सका। दूसरी बात, अब हम मेन बात पे आते हैं कि आरएसएस का सेल्फ इमेज रहा है कि वो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदू हितों के लिए वो मतलब लीडिंग फोर्स है, दैट्स देयर सेल्फ व्यू। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस सेल्फ व्यू के चलते आज हिंदू समाज इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो हेग्डेवर जी की विजन थी, मैं कोट करती हूँ, द हिंदू कल्चर इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ हिंदुस्तान, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट इफ हिंदुस्तान इज टू बी प्रोटेक्टेड वी शुड फर्स्ट नरिश द हिंदू कल्चर, इफ द हिंदू कल्चर पेरिशेस इन हिंदुस्तान
itself, and if the Hindu society ceases to exist, it will hardly be appropriate to refer to the mere geographical entity that remains as Hindustan. Yani agar yahan Hindu culture nahi hai to Hindustan kehna bilkul hi vyarth hai, kyunki wahi hal hoga jo Pakistan bhi Hindustan ka hissa tha aur kuch hi varshon mein wahan Hindu culture ki chhavi dekhne ko to kya बहुत ही प्रताड़ित रूप में दिखती है, जो छोटी सी माइनॉरिटी हिंदुओं की बच गई है. दे आर द मोस्ट डिस्पाइज्ड, द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड माइनॉरिटी, जो पेरिश कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो गए. तो इसका मतलब हिंदुस्तान में भी अगर ये जिस तरह पाकिस्तान फुटप्रिंट बढ़ाता जा रहा है तो नहीं रहेगा. और आरएसएस, आज का आरएसएस, ये मिनी पाकिस्तान को हिंदुस्तान में बढ़ने की बजाय रोकने में सफल होना तो बहुत दूर की बात है. उसमें इनका पूरा जैसे सहयोग चल रहा है, मोदी सरकार का भी और आरएसएस का भी. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं, मदरसे चलाने लग गए हैं, और मदरसों में अगर आप कुरान नहीं पढ़ाओगे तो मदरसा काहे का, उसमें हदीस नहीं पढ़ाओगे तो मदरसा काहे का, और कुरान अगर पढ़ा रहे हो तो राष्ट्रीयता कहाँ से आएगी? उसमें तो साफ हुक्म है, आपका मजहबी डिक्टेट है कि काफिरों से नफरत करो, उनका कत्लेआम करो अगर वो कन्वर्ट नहीं होते. तो ये मदरसे भी चलाते हैं, और मोदी सरकार तो हजारों करोड़ रुपया दे रही है इन सबको और बढ़ाने में. तो ये जो हिंदू कल्चर के लिए इनको करना चाहिए, तो जो कि फाउंडिंग प्रिंसिपल और मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट थी डॉक्टर हेडगेवार की, वो तो कहीं दिखती नहीं है. इन्होंने एक काम भी नहीं किया दिखता हिंदू समाज के लिए. और राम मंदिर की भी चाहे शेखी बघारे, पर इनकी वजह से नहीं हुआ. वी नो इट वेरी वेल कि वो कोर्ट से ही मिन्नतें करके, गुहार करके बहुत लोगों ने काम किया तो वो कहीं जाके हुआ. व्हाट हैव दे डन फॉर हिंदू कल्चर? और क्यों छोड़ते जा रहे हैं? क्या मिल रहा है इनको? चमचागिरी उन लोगों की करके जो इनको बिल्कुल तबाह करने के लिए तुले हुए हैं, जिनका एजेंडा है, और जो इनको सुबह से शाम फासिस्ट होने की गाली देते हैं. बिल्कुल, ये सवाल तो आपको सीधा उनसे ही करना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए. लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि उन्होंने एक शैली अपनाई है कि वो साफ साफ कोई जवाब नहीं देते, खास करके जो उनके जिम्मेदार अधिकारी नहीं. हाँ, लेकिन समस्या ये होती है कि फिर उनके बिहाफ में जो छोटे छोटे लोग बोलते हैं, जैसे वही आपने जिनका नाम लिया, विनय जी, विनय कृष्ण चतुर्वेदी, उन्होंने आज या कल एक वीडियो जारी किया है कि ये उस वक्तव्य को गलत समझा गया, सरसंघचालक जी के वक्तव्य को गलत समझा गया, और उसमें उन्होंने जिस तरह से सफाइयाँ दी हैं, एक तो वो कन्विंसिंग मुझे नहीं लगी और वो गड्ढमट जैसी लगी. लेकिन मुझे सबसे मुख्य बात ये लगी कि अरे जब आप अधिकारी नहीं हैं तो अधिकारियों को क्यों नहीं आकर के ये बात बोलनी चाहिए, एग्जैक्टली वही बात, ताकि कोई क्वेश्चन कर सके, उसका समाधान वो दे सके. अब अभी क्या है कि अगर इनकी बात में एक भी फॉल्ट है, विनय जी की बात में, तो कोई भी आरएसएस का व्यक्ति कहेगा वो उनकी बात थी, हमने तो नहीं कहा. तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रिक अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है कि वो कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड साफ साफ नहीं बोलते. जैसे यही कि संघ ने हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लिए क्या किया, आप पॉइंट बना करके बताइए. और जो विजन डॉक्यूमेंट अभी आपने पढ़ा, उसमें ये भी था, मुझे अगर ठीक से याद है, कि पूरे सोसाइटी को विजिलेंट और ऑर्गेनाइज रहना चाहिए. इन्होंने विजिलेंट को छोड़ दिया है और ऑर्गेनाइज को पकड़ लिया है. दंगई हो जाए तो इनके पास कोई इंतजाम नहीं है कि हिंदू समाज को सुरक्षा कैसे प्राप्त. दंगे तो बहुत दूर की बात है. शाहीन बाग में तो सिर्फ धरना था, वहां मिलने कोई नहीं गया इतने दिनों तक, वो तो शांतिपूर्ण धरना ही था. उन्होंने पत्रकारों को एक दो को पकड़ा धकड़ा, लेकिन कोई एमपी नहीं गया, कोई लीडर नहीं गया, ना संघ का लीडर गया, ना भाजपा का लीडर गया. तो अगर आप एक
सड़क पर बैठी हुई भीड़ को आप जा करके संबोधित करने की इच्छा नहीं रखते हैं या रुचि नहीं रखते हैं या हिम्मत नहीं रखते। हाँ वो भी हिम्मत नहीं रखते, जबकि आपके पास पूरी शक्ति है, सब कुछ आपका है। दिल्ली में तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई किसी कोई ममता बनर्जी का शासन चल रहा है, वो भी आप नहीं कह सकते। तो अगर यहाँ आप मिलने भी नहीं गए, बोलने भी नहीं गए, तो ये तो कल्पना करना बेकार है कि कोई और संकट की स्थिति में उनका कोई भी व्यक्ति सामने आएगा। तो मुझे यही लगता है कि ये जो अभी जो क्रोध एक भागवत जी के एक वक्तव्य पर नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सचमुच ऐसी कोई बात नहीं कही जो पहले नहीं कही गई थी, पहले भी कही गई थी। मुझे लगता है कि फरवरी में भी जो दत्ता जी हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो डीएनए है भारत वो हमारा तो एक है, और लेकिन उसमें उन्होंने जोड़ा था कि वो डीएनए हिंदू डीएनए है। तो जो भी हो, डीएनए की बातें वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमानों को मिला कर चलना है ये बहुत दिनों से कह रहे हैं, इस्लाम की प्रशंसा करना वो तो दशकों से कर रहे हैं, वो गोलवलकर जी ने भी किया था, सुदर्शन जी ने तो बहुत विस्तार से किया था। सुदर्शन जी तो सुना है कन्वर्ट होने जा रहे थे, हाँ उन्होंने तय कर दिया था और बड़ी मुश्किल से लास्ट मिनट पे रोका उनको किसी उनके सिक्योरिटी वालों को, पता कन्वर्ट करने जा रहे थे, हाँ जा रहे थे, ईद पढ़ने जा रहे थे, ये तो बकायदा दैनिक जागरण में बकायदा न्यूज छपा था, ये तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, और मैंने कन्फर्म भी किया, वहां के लोगों ने बताया कि हाँ ये बात सही है, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। व्हाटएवर, कहने की बात यह है कि आखिर इसी तरह की परंपरा है उनकी लीडरशिप की, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग इसलिए ज्यादा भड़क गए हैं कि जिसको कहते हैं ना कि वो अब घड़ा भर गया, वो बर्दाश्त से बाहर हो गया कि आपने कश्मीर में कुछ नहीं किया, आपने बंगाल में कुछ नहीं किया, आप वो लगातार आपके जो बड़े लोग हैं वो तमाम किस्म, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वो प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन मना रहा है, वो मैक्रों का पुतला जला रहा है जो जिहादी लोग कहते हैं, ऑफ द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम बाय द मुस्लिम कर रहा है, उनको तरह तरह की सुविधाएं दे रहा है जिससे हिंदू वंचित हैं, उनके लिए अलग तरह की संस्थाएं, अलग तरह की व्यवस्थाएं इतनी की गई कि कांग्रेस ने नहीं की थी। तो इससे मुझे उससे ऐसा लगता है मेरे मन में कि जिसको कहते हैं कि वो लोगों के मन में वो ग्रीवांस जमा होता जाता है और एक दिन वो गुस्सा फट जाता है। तो ये जो लेटेस्ट जो बयान था, व्याख्यान था, उसमें सचमुच कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पुरानी बातों के साथ ये नई बात फिर से, और चूंकि सबसे बड़े व्यक्ति द्वारा कही गई, तो समहाउ ये भड़क गया इस बार। और अब सोशल मीडिया के कारण मीडिया मोनोपोली भी नहीं रह गई है, तो उसके उससे ये भी होता है कि कम से कम एक साइजेबल सेक्शन लोगों तक ये घर घर बात पहुंच जाती है। फिर जब लोग क्वेश्चन करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो आप उसका जवाब नहीं देते हैं। जैसे यही अभी इतने दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके किसी जिम्मेदार अधिकारी को आकर के आपसे ये प्रश्न उत्तर में शामिल होना चाहिए, या उनके हाथ में तो सारा मीडिया है, दूरदर्शन रेडियो सारा उनके हाथ में है, बल्कि अभी जिस स्थिति में है कि NDTV से लेकर के CNN तक उनका इंटरव्यू दिखाने के लिए तैयार रहेगा, तो वो सामने आकर के इन सारे प्रश्नों का, सारी जिसको कहते हैं कि जिसको वो कहते हैं गलत फहमियाँ हैं, विनय जी ने जिसको कहा गलत फहमियाँ हैं, तो उन गलत फहमियों को वो क्लियर करें, क्वेश्चंस का उत्तर दें। जिसको हार्ड टॉक जो वो करता है टीम सेबास्टियन, वो किसी हार्ड टॉक में सामने आए, अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो इससे तीन बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं सामान्य हिंदू के सामने, कि एक तो आप प्रिपेयर्ड नहीं है, लड़ना तो दूर की बात है, आप बोलने के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है, दूसरा आपको अपनी ही धारणाओं का के लिए आपके पास डिफेंस नहीं है, आपको संकोच होता है, और तीसरा आप किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, जहां पर आपके सामने इंटरनेशनल दो दो फोर्स हैं जो कि भारत से हिंदू समाज को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, इवेंजेलिकल्स। हाँ मैंने मान लिया है कि कम्युनिस्ट वो सरस्वती की तरह मिल गए हैं यमुना में, तो ठीक है, ये बात नहीं है, क्योंकि देखिए वो लेजिटिमेसी देते हैं, सेक्युलर लेजिटिमेसी देने का काम कम्युनिस्ट करते हैं, वो मिले इतने नहीं है, और वो जो इनकी उनकी सर्विस है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के प्रति, उसका ही वो नशा लूट रहे हैं कि दोनों ग्रुप सुने, वो मरी हुई ताकत हो चाहे इलेक्ट्रली बट ग्लोबली और इंटेलेक्चुअल सेंटर्स में उनको इतनी
सुरक्षित जगह मिली हुई है मीडिया में, एकेडेमिया में, वो इतने 7 दशकों का जो लेफ्टिस्ट प्रचार, मार्क्सिस्ट प्रचार सरकारी माध्यम से हुआ, नेहरूवाद के माध्यम से, तो वो अब उन लोगों में भी घुस गया है जो लोग कि कभी कम्युनिस्ट नहीं थे। और मैं बिल्कुल ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि स्वयं भाजपा के नेता आधी से अधिक बातें जो प्रस्थापनाएं हैं उनकी, वो पॉलिसी के बारे में या आइडियाज के बारे में, इवन सोसाइटी के बारे में, वो बिल्कुल मार्क्सिस्ट प्रस्थापनाएं हैं। उनको नहीं पता है कि वो मार्क्सिस्ट प्रस्थापनाएं हैं, लेकिन उन्होंने हूबहू उसी तरह को ले लिया है। वर्ग भेद, जाति भेद, हिंदू जैसी कोई चीज नहीं है, या हिंदू तो गया गुजरा है और इस्लाम में तो सब कुछ ठीक है, ये तो कुछ मुसलमान भटके हुए हैं, और ये जब तक गरीबों का उत्थान नहीं होगा तब तक तो कुछ और हो ही नहीं सकता, जब तक रोटी सबको नहीं मिलेगी तब तक कल्चर की बात क्या करना, ये इस तरह की, मतलब मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है पूरी मैं 25-30 उनके पॉलिसीज की, उनके स्टेटमेंट्स की लिस्ट बना सकता हूँ जो 100% मार्क्सिस्ट प्रस्थापनाएं हैं। तो इसलिए आपका कहना ठीक है कि कम्युनिज्म भी वो तीसरा फोर्स है, लेकिन अब वो इतना समाहित हो गया है कि सारे ही चूंकि पॉलिटिकल फोर्सेज वही सब बोल रहे हैं, उन्हीं की तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मेनली डिस्टिंक्ट दो दो फोर्स हैं इंटरनेशनल जो कि खत्म करना चाहते हैं। तो इसके सामने आप कुछ बोलने के लिए भी अगर तैयार नहीं है तो इतनी ताकत, इतना संगठन, इतने मेंबर, इतने MP, इतने MLA, इतनी बिल्डिंगे, इतने संस्थान बना करके क्या होना है? ये तो निर्जीव चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये वर्ल्ड ये केबल टेलीविजन, इंटरनेशनल मीडिया, आप देख सकते हैं क्विकली बुर्किना फासो में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो एक साइजेबल हिंदू सेक्शन इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लायक है और उसके पास मीन्स भी है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुरंत वो चेक कर लेगा कि ये आदमी सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो ये बात तो वो अगर मेरी जांच कर सकता है तो वो तो बीजेपी के लीडरों की भी जांच करेगा, RSS के लीडरों की भी जांच करेगा। आपने कहा कि, सॉरी नहीं, आप खत्म कर लीजिए फिर मैं जी। बस मैं ये कह रहा था कि जो विनय जी ने आज जो वीडियो जारी किया कि भाई ये एक परंपरा थी कि जो सर्वोच्च संघ के व्यक्ति हैं उनके बारे में नहीं बोला जाता था, तो वो भूल गए कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं। अगर वो संघ के शाखा को संबोधित कर रहे हैं तो फिर ये पब्लिक में आकर के बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो जो संघ के सदस्य, उनके मेंबर, उनके शाखा के लोग जो आदर देंगे वो कॉमन पब्लिक क्यों देगी? दूसरी बात नहीं, आज के दिन डॉक्टर शरण, आज के दिन संघ के जो ऑर्डिनरी वर्कर हैं वो जितने खफा हैं उतने बाहर के लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने संघ को जीजान दी है और वो बहुत परेशान है कि हमने सोचा क्या था। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि बिल्कुल जो कम्युनिस्ट डिस्कोर्स है, चाहे वो क्लास डेप्रिवेशन का हो, चाहे वो गरीबी हटाओ का हो, ट्राइबल्स को लेके हो, पर सबसे हैरत की बात ये है कि ये खुद को सांस्कृतिक संस्था कहते हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति में जो सबसे फाउंडेशनल यूनिट है वो है परिवार व्यवस्था और जाति व्यवस्था। उसके प्रति भी अगर आप देखिए पिछले 30-35 वर्षों में जितने कानून आए हैं ये फॉरेन फंडेड NGOs द्वारा स्त्री अधिकार के नाम पर, उनमें एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें बीजेपी या संघ के लोगों ने CPM के स्टैंड से रत्ती भर भी विरोध किया। बल्कि मैं तो इनके पास जाती थी मिन्नते करने, कानून पढ़ तो लो, बहुत जालिम है जो आ रहा है, बिना पढ़े ये उनके पीछे लग जाते थे। तो परिवार व्यवस्था को भी नहीं बचा पाए, जाति व्यवस्था के तो वैसे भी खिलाफ है, दुश्मन है, और ये केवल एक ही आइडेंटिटी चाहते हैं, वो तथाकथित राष्ट्रभक्ति की, पर राष्ट्रभक्ति गई भाड़ में यदि आप हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बने दिए जा रहे हैं और उनको सहयोग करते हैं तो आपकी राष्ट्रभक्ति पर तो लोगों को सवाल उठाना ही पड़ेगा। तो ये किस मर्ज की दवा है इनके पास? सवाल ये है कि इनके पास
रिलीफ वर्क के अलावा, कोई फ्लड आ गया, कोई और आपदा आ गई, नेचुरल आपदा, उस वक्त एफिशिएंट रिलीफ वर्क के अलावा और बताइए किस मर्ज की दवा है इनके पास? मुझे समझ नहीं आता। नहीं, मेरे मुझे भी लगता है कि उनके पास किसी मर्ज की दवा नहीं है, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि मैं 20 साल से उनके संपर्क में हूँ, उनकी बातें सुनता रहा हूँ मीडिया में भी और भाषणों में भी, और मुझे लगता है कि वो हमेशा वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गोल पोस्ट बदल देना, वो हमेशा वो नए बहाने ले आते हैं काम नहीं होने के। पूरे वाजपेयी रेजिम में ये था कि भाई अरे ये तो गठबंधन सरकार है, पूर्ण बहुमत मिलेगा तभी कुछ हो सकता है ना, ऐसी बात वो भी नहीं थी। उस समय भी वो जो करना चाहते थे वो कर ही डालते थे, और सरकार की शक्ति तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार की भी इतनी ज्यादा है, और इसका गोल्ड इसका तो जीवंत उदाहरण सीपीएम है। उसके हाथ में एक छोटा सा वेस्ट बंगाल था या केरल था, उन्होंने पूरे देश में अपना डिस्कोर्स को फैलाने में और बस वेस्ट बंगाल में तो पूरी शिक्षा संस्कृति पर अपना कब्जा कर लेने में उन्होंने बहुत आसानी से किया। तो ये लोग भी कर सकते थे, सारी यूनिवर्सिटी में सीपीएम का नॉमिनेशन। इनके पास जितने स्टेट्स थे वो तो लगभग 30 साल से हैं, मध्य प्रदेश में और ये गुजरात में, कितनी जगहों में 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल, कहीं भी एक भी ऐसा काम वो खुद नहीं बताते हैं, उनके लोग भी नहीं बताते हैं पूछने पर कि भाई आपकी 20 साल वहाँ सरकार रही, 15 साल वहाँ सरकार रही, आप जरा कृपा करके 2-3-4 बताइए। तो वो जो भी बताते हैं वो एग्जैक्टली वही जो मैंने अभी कहा, वो नेहरूवादी विकास वाला सब है कि वो गरीबों के लिए वो कर दिया, उसके लिए घर बनवा दिया, उसको दवाई दे दी, उसको साइकिल दे दिया, उसको छाता दे दिया, पर ये इतने बड़े बड़े राज्य आपके पास हो, नरेंद्र मोदी भी 13 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कितने आपके राज्य सरकारें रही, एक यूनिवर्सिटी नेहरू जेएनयू के बराबर की नहीं आप बना पाए, जो डिस्कोर्स एक राष्ट्रीय डिस्कोर्स स्थापित कर पाती, जो नया क्यूरिकुलम की तरफ इंगित तो कर पाती, कहीं भी नहीं। और एजुकेशन के प्रति तो इनकी दयनीय अवस्था जो है उस पे तो रोना ही आता है। किसी मुझे सब कहते थे कि एंटी इंटेलेक्चुअल हैं, पर मैं करीब से नहीं जानती थी, पर अब तो विश्वास हो गया है कि इनको या तो नफरत है बुद्धिजीवियों से, एकेडमिक परस्यूट से, और ये और तो छोड़ो, देखिए अपने आप को जब भी इनसे कोई सवाल पूछो बोले हम पॉलिटिक्स नहीं, हम तो सांस्कृतिक संगठन है। पर देखिए असलियत तो ये है कि जितनी सांस्कृतिक हमारी हेरिटेज है उसकी तो मोनोपोली सीपीएम ने ले रखी, कम्युनिस्ट ने ले रखी है। एक वो सफदर हाशमी ट्रस्ट बनाने के बाद से, पहले भी आप देखिए आजादी के बाद से भी इप्टा जो आजादी के दिनों से चला आता रहा है, इंडियन पीपल्स थिएटर ऑर्गेनाइजेशंस, सीपीआई के जमाने से बॉलीवुड से लेकर थिएटर से लेकर राइटर्स को ऑर्गेनाइज करने से लेकर जितने भी प्रबुद्ध राइटर्स हैं वो सब कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली कार्ड होल्डिंग मेंबर हैं या नहीं है पर उसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। तो राइटर्स उनके साथ, बेस्ट म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियंस भी जो गाते हैं हिंदुस्तान का क्लासिकल म्यूजिक, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और ट्रेडिशनल जितने भी हमारा जो क्लासिकल सारी हेरिटेज है वो तो पूरी तरह से हिंदू वोकैबुलरी में है, हिंदू वर्ल्ड व्यू के साथ वो गाएंगे वो, पर सीपीएम के भक्ति फेस्टिवल्स में जाके गाते हैं। आरएसएस ने आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिसको कभी आप कहें कि अपने मंच पर ला सके हों, सब बढ़िया कलाकारों को या बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को या अच्छे लेखकों को, फटीचर फटेहाल इनके हाथ में रह जाते हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिलती। तो संस्कृति क्या है, और इनके जो कार्यक्रमों में अगर गलती से चले जाओ तो सरस्वती वंदना भी बेसुरी होती है, राष्ट्रगान भी अक्सर बेसुरा होता है, वो भी नहीं ठीक तरह से होती। मेरी समझ से बाहर है कि कौन सी संस्कृति इन्होंने चलाई, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम किए,
उस दिशा में तो कुछ इन्हें पता होता और कुछ नहीं, हमारे फोक आर्टिस्ट को भी ऑर्गेनाइज करने का जो काम है, जो थोड़ा बहुत हुआ वो या कांग्रेस या कम्युनिस्ट द्वारा हुआ, इनको उनकी भी कोई खबर नहीं है। जो हमारे अगर नेहरूवियन है और गरीबों का देखना चाहते हैं, तो जो गरीब है हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रखेता, जो जैसे नट कम्युनिटी है, जो ट्रेडिशनल हमारे कलाकार हैं, उनकी तो खोज खबर इनको बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस को फिर भी पता होता था और ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े फेस्टिवल होते थे जहाँ ये हमारे सपेरे भी और कलबेलिया डांसर्स भी और तरह तरह के हमारे लोक कलाकार जाते थे, कुछ कम से कम शोकेस करते थे, चाहे म्यूजियम पीस की तरह। ये तो वो भी नहीं कर पाते। और मुझे लगता है सास बहू सीरियल्स के अलावा शायद अंदाजा भी नहीं है कि कल्चर क्या नहीं, होता नहीं है। नहीं नहीं है, ये तो बिल्कुल गंभीर, ये तो बिल्कुल सही बात है। वो तो इतनी बात भी नहीं समझ पाते कि सांस्कृतिक और पॉलिटिकल में अंतर क्या है। जब ये प्रश्न कहा जाता है कि जब आप अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, तो इतनी हाई प्रोफाइल पब्लिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप 24 घंटे 12 महीने नजर आते हैं, सारे चुनाव में आप आगे रहते हैं, चुनाव करवाना, चुनाव के लिए प्रचार करना, और इस पर खूब गर्व भी करते हैं। और फिर ये कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है जो विनय जी ने भी कहा कि जब भाजपा के किसी क्रियाकलाप के बारे में प्रश्न उठता है तो कहते हैं जाओ भाजपा से पूछो, वो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि हम अलग हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो अपने आप को ही इतने भ्रमों में डाले हुए हैं कि वो अपने ही वैचारिक घन चक्कर में वो फंसे हुए हैं। वो अपने को सांस्कृतिक कहते हैं लेकिन हमेशा पॉलिटिकल काम करते हैं, हमेशा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, वो चाइना से लेकर के अफगानिस्तान तक पर बयान देते रहते हैं। और देश में अभी जितने आपने सांस्कृतिक बातों की चर्चा की उस पर मुझे नहीं लगता कि उनका कहीं कोई वक्तव्य भी ढूंढा जा सकता है। यही नहीं, कांग्रेस के समय में उन्होंने पिछले 50 सालों में असंख्य कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए, उसकी धरोहर, उसका दिखावा, उसकी प्रदर्शनियां वगैरह उनके लोग करते रहे हैं, और वो उस तरह के लोगों को प्रोत्साहन भी देते रहे हैं, पद भी देते रहे, पोजिशन भी देते रहे, ताकि आप ये सब काम कीजिए। लेकिन हाँ, आपको भाजपा आरएसएस में कोई एक कपिलावाद साइन नहीं मिलेगा। वो हो सकता है उनके लोग कपिलावाद साइन नाम भी नहीं जानते हो, और मुझे लगता है कि यही कारण था कि उनके देहांत पर किसी टॉप व्यक्ति का या मझोले व्यक्ति का भी बयान तक नहीं आया, वो निशब्द चली गई। जबकि इन्हीं के लोग किसी फिल्मी हीरोइन के पैर में चोट लग जाती है तो उस पर ट्वीट करते हैं, बयान, दुख के बयान देते हैं, हीरो हीरोइन को या खिलाड़ियों को जीतने की या किसी चीज की बधाई देते रहते हैं। और कपिलावास साहब के देहांत पर भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, तो ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस बात का प्रमाण है कि उनको संस्कृति की और हिंदू संस्कृति की कोई समझ नहीं है। और सबसे भयंकर बात यही है कि वो इसके अपने आप को कस्टोडियन समझते हैं, रक्षक समझते हैं। मुझे ना फोन बंद करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, फोन घंटी बज रही है, बंद करके आ रही। After 1 hour, please. I'm on a call. After 1 hour. अब मैं इसको बंद कर दू। सॉरी, ये एडिटिंग हो जाएगी। लकीली हम उस पे नहीं है। एक मिनट मैं इसको ना साइलेंट मोड पे कर दू ताकि दोबारा हमें डिस्टर्ब ना होना पड़े। जी, मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल समस्या है वो, बल्कि अब तो लगता है कि शायद शुरू से ही रह गई। और क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो हिसाब लगाया कि 1940 तक तो हेगड़े वारजी ही थे, जब उन्होंने विजिलेंट और ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन की बात की थी, हिंदू सोसाइटी को हमेशा विजिलेंट और ऑर्गेनाइज्ड रखना है, तो विजिलेंट तो बिल्कुल गायब हो गया था। मुझे लगता है कि आज तक उसका नाम भी नहीं लेते हैं लोग। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी बार मैंने सुना विजिलेंस का नाम, मैंने उनके मुंह से तो आज तक नहीं सुना। मैंने जब स्वयं विजन स्टेटमेंट पढ़ा तभी देखा कि अच्छा उसमें विजिलेंट भी है, और विजिलेंट ऑर्गेनाइज से पहले है कि द एंटायर सोसाइटी शुड बी इन सच ए विजिलेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन दैट नो वन वुड डेयर टू कास्ट एन एविल आई ऑन एनी ऑफ आवर पॉइंट्स ऑफ ऑनर। ये उसी स्टेटमेंट का पार्ट है जो आपने पढ़ा था। बिल्कुल। तो नो वन डेयर टू कास्ट एन एविल आई ऑन एनी पॉइंट ऑफ ऑनर। मैं तो ये देखता हूं कि चलो आज़ादी से पहले मैं छूट देता हूँ कि चलिए गांधी जी थे, हिंदू महासभा थी, और
देश गुलाम भी था, लेकिन आफ्टर 47 किस किस पॉइंट ऑफ ऑनर पर आपने संघर्ष किया? कब आपने विजिलेंट होने का कोई संकेत भी दिया? और मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उनको नेहरू जी ने और सरकार ने इतना दबा दिया, इतना बदनाम कर दिया। ये कौन सी बात है? संगठन को बदनाम किया होगा, लेकिन संगठन के इंडिविजुअल्स और उनके लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी तो करते रहे और वो अपना संगठन बढ़ाते भी रहे, तो हाउ कम कि सीताराम गोयल जैसा इंडिविजुअल लड़ सकता था, राम मनोहर लोहिया जैसा इंडिविजुअल लड़ सकता था, महावीर त्यागी जैसा इंडिविजुअल लड़ सकता था, और आपका इतना बड़ा संगठन जिसने तुरंत पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली 1951 में, 1951 से लेकर के आज तक आपने किस हिंदू पॉइंट ऑफ ऑनर पर आपने संघर्ष किया? मुझे ऐसा अपने अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाते ये। देखिए, हिंदू समाज की क्या बचाएंगे आप? अपनी इज्जत जो इंसान नहीं बचा पाता, या जो संगठन इतने भद्दे आरोप अपने ऊपर ले लेता है और जो बड़े खुश और इतनी स्मगनेस कंप्लेसेंसी है। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि एक तरफ इनको हिंदुओं की ठेकेदारी चाहिए, उसके बगैर इनका खाना भी नहीं हजम होता। कोई अगर और उठने लगता है हिंदू संगठन जो इनकी बराबरी में या इनसे ज्यादा प्रखर आवाज से बात करता है, उसको दबाने का कुचलने का काम भी करते हैं, जैसे सीताराम गोयल जी को भी किया। आप सोचिए कि ऑर्गेनाइजर जैसी रैग, इट्स अ जर्नलिस्टिक रैग, उसमें सीताराम गोयल जी के आर्टिकल पे प्रबंध डाल दिया, प्रतिबंध डाल दिया, जहां कोई बहुत बढ़िया ऊंचे किस्म के लेख छपते भी नहीं थे। ही वॉज नॉट फाउंड गुड इनफ फॉर ऑर्गेनाइजर। मतलब ये आप जलील करते हैं इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को, ना अपनी इज्जत संभाल पाए, ना हिंदू धर्म की, ना भारत राष्ट्र की, तो इन पे कैसे कोई भरोसा करेगा इज्जत संभालने के सवाल? इसीलिए भरोसा टूट रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भरोसा टूट रहा है, और वो सही टूट रहा है, क्योंकि अब उनके बहाने अब खत्म हो रहे हैं और अब वो बहानों में दम नहीं रहा, और अब वो मुझे तो लगता है कि अब आगे वो नए बहाने खोजना भी मुश्किल है। लेकिन उससे भी बुरी बात यह हुई है कि पावर के साथ इतना लंबा उनका अब संबंध हो गया कि अब वो शायद कल्पना नहीं कर रहे हैं कि बिना पावर के वो कैसे रहेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अरुण शौरी जी ने एक बार उनका उदाहरण दिया था भाऊराव देवरस का। भाऊराव देवरस एक बार ने उनको एक बार बुलाया था जब वो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे, और जब भी मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वो बेचारे बहुत ही साधारण अवस्था में रह रहे हैं, छोटा सा एक कमरा है, खाट है, कुर्सी एक ही थी। तो लौट करके आए तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई, वो संघ के इतने बड़े लीडर हैं और वो कितनी सादगी और सरलता से रहते हैं। तो सॉरी कहते हैं कि रामनाथ गोयनका ने पर कोई असर नहीं हुआ, कहा कि अरे अरे तुम अभी किस चकमे में पड़े हो, इनको सत्ता मिलने दो, उसके बाद तुम देखना कि इनकी क्या स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बात सही साबित हुई है। सत्ता मिलने के बाद उनके लोगों का व्यवहार, उनका तौर तरीका, उनकी बोली, उसकी एक उसकी विनम्रता का जो एक औपचारिक रूप है, वो बिल्कुल दिखता है कि वो आखिर ये क्या बात है कि आप पर आरोप लग रहे हैं, आप सामने आकर के क्यों नहीं बोल रहे? फिर ये दिन रात ये इलेक्शनियरिंग में लगे रहना, पूरे संघ को इलेक्शनियरिंग मोड में रखना, उनके लोग आप इनफॉर्मल बातचीत में भी देखिए तो पॉलिटिक्स की ही चर्चा करेंगे, उनके बड़े लीडर जो बयान देंगे उसमें पॉलिटिक्स है। और ये खुली बात है कि सारे चुनावों में वो जा करके जम के काम करते हैं, वो मेन फोर्स होते हैं बीजेपी का। तब ये कहना कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है जी, हमारा तो राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है जी, वो बीजेपी तो वन ऑफ द हमारे एक फ्रंट है, हम तो सैकड़ों अन्य फ्रंट में काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसा मिथ्याचार है जो वो इतना दोहराते रहे हैं कि उनको इस पर विश्वास हो गया है कि वो सही बोल रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके बनाए हुए जितने हजारों उन्होंने संगठन बना रखे हैं या फ्रंट बना रखे हैं या इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, फाउंडेशन बना रखे हैं, किसी का भी अगर वो विजिबल है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो साफ साफ दिखता है कि वो सिर्फ बीजेपी के आर्म के रूप में काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल आर्म के रूप में काम कर रहा है, उसको कल्चर की समझ नहीं है, उसको लिटरेचर की समझ नहीं है, उसको आर्ट की समझ नहीं है, उसको इंटेलेक्चुअल होने की और थिंक टैंक का मतलब उनको समझ में नहीं आता, लेकिन ये सारे वर्ड और सारी एक्टिविटी वो अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, नहीं हम ही कर रहे हैं सब कुछ। तो
तो मुझे लगता है कि पर जो भी इंस्टीट्यूशन इनके हवाले की जाती है उसका, वैसे भी हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस को हेल्दी बना के रखना कांग्रेस ने भी नहीं किया। हमारी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस चरमराई है, हमारी यूनिवर्सिटीज आर सब स्टैंडर्ड बाय कंपैरिजन इवन विद सेकंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। नेबरिंग थाईलैंड ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, उनके हिसाब से भी हमारे स्कूल, हमारे शिक्षा संस्थान चरमराए हुए। और इनको बिठा दो जो थोड़ी बहुत उसकी इंटेग्रिटी होती है इंस्टीट्यूशन की, वो भी तबाह हो जाती है। कोई बिठा देंगे, हाँ, बिल्कुल। तो पावर बैठने का चस्का पड़ गया है बहुत ज्यादा, पर बहुत पावर बिल्डिंग का नहीं, पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तो क्लूलेस, उनको आता ही नहीं है। देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये इसीलिए कि जिस चीज की उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है उसको वो रूल करना चाहते हैं। और वो पॉलिटिक्स भी ऐसी चीज नहीं है, आप बीजेपी को तो ये छूट दी जा सकती है क्योंकि बीजेपी एक अभ्यस्त पॉलिटिकल पार्टी है और वो उसी तरह खेलती है जैसे दूसरे लोग खेल रहे हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को तो कभी पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग नहीं है, उनको कल्चर की भी ट्रेनिंग नहीं है, उनको लिटरेचर की भी ट्रेनिंग नहीं है, दुर्भाग्य से उनको किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं है सिवाय इसके कि अपने ही जैसे और लोग तैयार करो। तो एक तरह अच्छा, तो लाठी भी भाग सकते हैं। दूसरी ओर AK-47 चलती है और रोबोट से बॉम्बिंग होती है, मतलब हथियार लेस कितनी है इसी देश में। जो भारत तोड़ टुकड़े करने वाली ताकतें हैं वो पूरी तरह से मिलिटराइज्ड भी है। और यहाँ पे इनको तो, इनके बच्चों को तो लाठी भाजना भी नहीं अब आता। दूसरी बात जी, आप खत्म कीजिए। नहीं नहीं, उससे भी दुर्भाग्य की बात है, वो इस पर कभी डिस्कस भी नहीं करते, इस इशू को चर्चा ही नहीं करते कि वो मिलिटराइज्ड हैं, उनके क्या एक्टिविटीज हैं, उनका कैसे मुकाबला करना है संघ के लोगों को और हिंदू समाज को। कोई ना तो इस पर कोई लिटरेचर है, ना कोई व्याख्यान है, ना कोई डिस्कशन है। उनकी सारी डिस्कशन सिर्फ दो चीजों पर होती है कि संघ अच्छा था, संघ अच्छा है, संघ अच्छा रहेगा, संघ छोटा था, संघ बड़ा हो गया, और भारत बड़ा महान था, महाराणा प्रताप अच्छे थे, ये भास्कराचार्य ने ये किया। मुझे लगता है कि वो वर्तमान जो समस्या है, वर्तमान समस्याओं में से किसी की वो चर्चा नहीं करते। यहाँ तक कि जिनको वो जीतना चाहते हैं, चाहे वो चर्च मिशनरी हो या इस्लामी जिहादी हो, उनकी भी एग्जैक्ट एक्टिविटी को एनलिस्ट करके कोई उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना और उसका समाधान निकालना, उसके बदले वो मीठी मीठी और हवाई बातें ज़्यादा करते हैं। तो इससे होता यह है कि उनके कार्यकर्ताओं भी भ्रम में रहते हैं, वो खुद भ्रम में रहते हैं, और हिंदू समाज तो भ्रम में है ही उस हद तक। और मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि हिंदू समाज इस भ्रम से निकल जाए कि संघ भाजपा उसके लिए कुछ कर सकते हैं, वो एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्या देखिए, हमारे हमारे ऊपर धब्बे भी लगते हैं क्योंकि जब तक ये हिंदू समाज के ठेकेदारों के रूप में अपने आप को पेश करते रहेंगे और मीडिया और जनरल पब्लिक में रहेगा कि ये हिंदू समाज के नेतृत्व के लिए है, तो इनके साथ जो खड़ा होता है उसके मुंह पर भी फासिज्म के कलर की काली पोत दी जाती है। तो हमें निरुत्तर करते हैं, हम जलील हो जाते हैं मुंह खोलने से पहले। हिंदू धर्म की बात करो, हिंदू हित की बात करो, तो आप संघीय हैं, आप फासिस्ट हैं, ये आपके ऊपर लेबल चिपक जाता है। ये अपने आप में इतनी बड़ी लायबिलिटी है डॉक्टर शरण, कि हमारे को निरुत्तर करने का, जलील करने का। और जो आजकल के जो पीढ़ी के बच्चे हैं, एक बड़ा कारण है अपने को हिंदू कह के गौरवान्वित नहीं महसूस करते जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके सामने चेहरा ये आ जाता है और इनके आरएसएस के साथ हिंदुत्व, हिंदुत्व के साथ फासिज्म, ये सब जुड़ जाते हैं। और इसलिए हिंदू बनके कोई जीने को राजी नहीं है। एक नई चेतना सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है कि हिंदू होना सिर्फ आरएसएस और भाजपा ही होना नहीं है, बट दैट यू नो। दूसरा, आई एम श्योर यू एग्री कि आज के जो सबसे बड़े जो दो चैलेंजेस हैं भारत के लिए और हिंदू समाज के लिए, वो है कन्वर्जन्स। जिस तेजी से कन्वर्जन्स बढ़ रही हैं, और जो अगर पुराना इनका मिशन स्टेटमेंट देखें कि हिंदुस्तान तभी तक हिंदुस्तान है जब तक यहाँ
हिंदू धर्म की रक्षा है, वो प्रस्थापित है। उसको तो तबाही करने दिया शिक्षा संस्थानों में, कहीं भी हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म की चर्चा भी नहीं होने दी। इतने साल हो गए, इन्होंने कभी मांग भी नहीं की। सबसे बड़ी बात है मांग भी इनकी तरफ से नहीं आई। दूसरा की नहीं, ये तो पावर में थे, स्टेट में कर सकते थे, जहां नहीं थे तब भी नहीं, जहां पावर में थे वहां भी नहीं। अब दूसरा, इनके सबके बच्चे, कोशिश इनकी होती है मिशनरी स्कूल्स में जाएं, और मिशनरी स्कूल्स को बढ़ावा देने में इन्हीं के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि कहीं भी गांव में आपने एक मिशन स्कूल चलाना है तो भाजपाई को पकड़ लो तो बहुत जल्दी कर देगा उसको, अपने बच्चों को वहां पहुंचाना है। अच्छा, तो उसमें बढ़ावा देने का बहुत बड़ा काम, और उसके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं इस्लाम के जो कन्वर्जन्स के, जो मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, उनकी खोज खबर भी नहीं है। एक आपको मैं किस्सा सुनाती हूँ। आरएसएस के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोई एकेडमिक काम किया हो। उनमें से हैं एक हमारे मित्र, आप भी शायद जानते हैं, जिन्होंने डेमोग्राफिक चेंज पर भारी भरकम रिसर्च की है इंडिया में, जो रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज हुई है। और सुनने में आता है कि वो रिपोर्ट लेके, जो मेरे ख्याल एक दशक का काम था, वो भागवत जी के पास गए कि भागवत जी जरा ये पढ़ लीजिए, ये खतरे की घंटियां बहुत सी बज रही हैं, कैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और हिंदू मेजोरिटी इलाके मुस्लिम मेजोरिटी बनते जा रहे हैं, क्रिश्चियन मेजोरिटी, हर स्टेट का है उनके पास, हर डिस्ट्रिक्ट का लेखक। तो भागवत जी कहते हैं, सुनने में ये आया, भागवत जी कहते हैं इतनी बड़ी किताब रिपोर्ट में कहां पढ़ूंगा, मुझे एक समरी ला के दो। तो उन्होंने 40 पेज की समरी बनाई और 10-12 दिन बाद फिर गए 40 पेज की समरी लेके। भागवत जी कहते हैं इसको समरी कहते हैं, 40 पेज कहां मैं पढ़ूंगा, एक डेढ़ पेज में पूरी बात कहो ना। अब ये बताइए कि जिस संगठन के शिखर पे ऐसे लोग बैठे हैं, जो जीवन मरण का सवाल है हिंदुस्तान के लिए, हिंदू समाज के लिए, वो है ये डेमोग्राफिक इन्वेजन, उस पे वो एक किताब पढ़ने को क्या 40 पेज पढ़ने को राजी नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। तो किस काम के लिए टाइम है आपके पास अगर आपकी जानकारी नहीं है कि देश का खाका कैसे बदल रहा है, डेमोग्राफिक इन्वेजन किस तरह से मिनी पाकिस्तान बनाई जा रही है और मिनी क्रिश्चियनडम बनाई जा रही है, नॉर्थ ईस्ट पूरा हो गया क्रिश्चियनाइज, कितने एरियाज वहां के मेजॉरिटी क्रिश्चियन मेजॉरिटी हो गए, जहां हिंदू आज टिक नहीं सकता, नॉन क्रिश्चियन टिक नहीं सकता, इनको खबर ही नहीं, इनको कोई चिंता भी नहीं सता रही लगती, ये कहां से माइंडसेट, इतनी जड़ता कैसे? ये बहुत कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर तो देना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है बहुत पुराना ऐसा मुझे लगता है। जैसा मैंने कहा कि 1940 तक तो डॉक्टर हेगड़ेवार खुद थे, और लगभग उसी समय सीताराम गोयल कहते हैं कि वो जब सेकेंड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, उसी समय उनका संघ के लोगों ने पहली बार उनसे संपर्क किया था। तो लगभग हेगड़ेवार जी या तो तुरंत गए होंगे या होंगे ही उस समय, मुझे ठीक ये ईयर मैं लोकेट नहीं कर पाया कि सीताराम गोयल सेकेंड ईयर में किस साल थे, मुझे लगता है कि वो 40 की ही बात होगी या 39 की बात होगी। तो उसी समय उन्होंने इसको नोट किया कि मैंने पाया कि वो उनके पास कोई लिटरेचर नहीं है, क्योंकि इन्होंने मांग की कि भाई तुम्हारे पास क्या साहित्य है, क्या करते हो ये, या क्या है संघ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई साहित्य नहीं है। वो फिर उनको दुर्गा पूजा में ले गए और उनको हिंदू वीरता की कहानियां सुनाई और इनको कहा कि तुम हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखो। और सीताराम गोयल कमेंट करते हैं कि मैंने उसी समय पाया कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्टिस्ट संगठनों की ओर जाते हैं या लेफ्टिस्ट संगठन उनको पकड़ लेते हैं, और जो आरएसएस में जो लोग थे या उनसे जितने लोगों से मैं मिला या जो लोग उनके सहयोगी थे या जिन लोगों के साथ जिनको मैंने देखा कि वो क्या कर रहे नहीं, वो बड़े एवरेज किस्म के थे। तो ये तो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि वो शुरू से ही विचारों के प्रति, जानने के प्रति
और ये ज्ञान के प्रति और विजिलेंट रहने के प्रति एक ढीलापन था, और वो शुरू से सिर्फ एक चीज उन्होंने पकड़ लिया कि अपना संगठन बढ़ाना है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन जो हमसे जुड़े हुए वो बढ़ाना है। वो पर्सन किस लायक हैं, वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, इससे उनको कोई मतलब पहले से नहीं था। क्योंकि फिर उसके तुरंत बाद ये गोलवलकर जी हुए, तो गोलवलकर जी के समय में ये सारा किस्सा हुआ, ये नेहरूवाद और जनसंघ बना। तो जनसंघ वो शुरू से ही ढुलमुल था, और उसका भी उदाहरण गोयल जी देते हैं, 57 में उनको खजुराहो सीट से लड़ने के लिए बीजेएस ने कहा, तो उसका अनुभव उन्होंने दिया है कि जब ये पॉलिसी की बात करते थे तो इन्होंने कहा कि मैंने पाया कि जो हमारे उनके हैंडलर थे, मतलब बीजेएस के जो कार्यकर्ता सीनियर कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं पॉलिसी पॉलिसी की बात मत करो, वो कहो कि कांग्रेस जो है ना वो बेईमान सोशलिस्ट और सेकुलर है, और हम मतलब बीजेएस भारतीय जनसंघ हम ईमानदार सोशलिस्ट और सेकुलर है। तो ये 1957 की बात है कि वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहा है 1957 में नई नई जन्मी हुई सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टी कि भाई हम सोशलिस्ट सेकुलर हम भी हैं, लेकिन कांग्रेस बेईमान है और हम ईमानदार हैं। जैसे सूडो सेकुलरिज्म वर्सेस जेन्युइन सेकुलरिज्म अडवाणी जी की, वही उसी बात में। मैं ये लिंक कर रहा हूँ कि ये शुरू से है कि आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी न तो है न उसकी कोई चिंता है, सिर्फ किसी तरह चकमा दे करके अपने आप को बढ़ाना है। और कांग्रेस को ही एक, इसको कहते हैं ना कि उन्होंने अपना एक देवता बना लिया कि हमें कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस को मिटाना है और उनकी जगह ले लेनी है। कांग्रेस क्या कर रही है, अगर वो जो भी कर रही है वो हम ही करेंगे, क्योंकि ये 57 का ये उदाहरण बताता है। वो कॉस लॉटर के बारे में कहा कि नहीं नहीं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर क्या उन्होंने कहा कि ये जहाँ जो मुस्लिम बस्तियाँ हैं वहाँ पर पाकिस्तान पर ज़्यादा अटैक मत कीजिएगा। तो सीताराम गोयल ने कहा कि खैर वो मैं उस प्रसंग का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस समय ऑलरेडी भारतीय जनसंघ में इक्विवोकेशन, जिसको कहते हैं कि हम हिंदू हितों पर और हिंदू समाज के इंटरेस्ट के बारे में हमारा ना कोई स्पष्ट मत है ना हम इसकी परवाह करते हैं, हमारी परवाह है कि हम इलेक्शन जीते हैं, हम अपने आप को बढ़ाएं। और ये बार बार दिखा, अयोध्या वाले मूवमेंट में भी दिखा, वो मूवमेंट जनता ने शुरू किया था। मुझे लगता है कि अगर कोई दूरदर्शी नेतृत्व होता तो उसको कभी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ता, क्योंकि वो अच्छा है कि वो जनता का मूवमेंट बन रहा था हर तरह की। और अगर आप गए भी तो उसमें हर एक पार्टी को इन्वॉल्व करना था कि भाई इतना बड़ा मोमेंटम हिंदू समाज का खड़ा हो रहा है, आओ सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। और सीताराम गोयल ने कहा भी कि भाई आप उस इशू को उठाइए कि ये हिंदू मंदिरों का इतना बड़ी पैमाने पर विध्वंस क्यों हुआ, ये जिहाद का इतिहास क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सब की चर्चा नहीं करेंगे, हमको एक मंदिर बनाना है। और धीरे धीरे तो उन्होंने वाजपेयी आडवाणी जी ने तो वन फाइन इवनिंग अपने मन से मथुरा और काशी को मुक्त कर दिया कि नहीं छोड़ो अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये अयोध्या दे दो जी। वो भी नहीं मिलना था, क्योंकि जब आप अपने शत्रु को पहचानते ही नहीं है, शत्रु आपका कोई एक बुखारी या एक शहर साहबुद्दीन नहीं है, और ये आज भी वो मिस्टेक कर रहे हैं कि उनका फ्रेंड वो कोई ख्वाजा या कोई मौलाना या कोई ये वहीदुद्दीन फ्रेंड या एनिमी नहीं है उनका, उनको निपटना है इस्लाम से जो पूरी दुनिया में अपना कब्जे की तैयारी कर रहा है, लड़ रहा है और यूनिफॉर्मली लड़ रहा है। उसका कोई स्टेट नहीं है, उसमें कोई नेशनलिज्म नहीं है, उसमें कोई पैट्रियटिज्म नहीं है, और जिस हद तक उनके लोग पैट्रियट हैं वो एक तरह से नॉन इस्लामिक एट्रीब्यूट है। ये सब चीज़ें चूंकि वो लोग कभी नहीं जानते हैं, उन्होंने अपने भी समाज को ठीक से नहीं समझा, उन्होंने विवेकानंद ने जो कहा वो करने के लिए वो भी नहीं जानते, अरविंदो ने जो कहा वो नहीं जानते, तो इन सब चीज़ों को लिंक करके कोई पॉलिसी बनाना और अल्टरनेट कोई पावर स्ट्रक्चर खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि उनकी कल्पना में भी नहीं है। उन्होंने शुरू से मान लिया है कि अगर संगठन को हम बड़ा बना लेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और अब वो बार बार दिख रहा है, पिछले 20 सालों से जब वो सेंटर में भी आ गए तब ये बार बार दिख रहा है कि उनके पास एक्चुअली किसी बात का कोई आइडिया नहीं है। नहीं तो जैसा मैं, ये मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ चीज़ें इतनी आसान है कि संसद में एक दो MP भी डिटर्मिंड हो तो वो उनको रोक करवा सकता है, या कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोक सकता है। और किसी के पास इतने इतने 6-6, 8-8, 10-10 स्टेट की सत्ता हो, सेंटर की सत्ता हो, इतना बड़ा संगठन हो, कहते हैं कि 2 करोड़ मेंबर हमारे हैं,
इतने राज्यों में इतना प्रभाव हो, इतने संसाधन हो, इतनी वेल कनेक्टिविटी हो, हर कोने देश के कोने कोने में ऑफिस हो, और उसके पास कोई आइडिया फैलाने का, कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी फैलाने का, यहाँ तक कि जनता को किसी किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगाने का उनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ तक कि अगर विपदा है, देखिए क्राइसिस के वक्त और जैसे ये काम करते हैं फ्लड रिलीफ का, अर्थक्वेक रिलीफ का, वो ही कम से कम एक्सटेंड कर देते बंगाल में जब पिट रहे हैं लोग वहां, उनके रिलीफ को ही कर देते, वो भी नहीं करना, ये तो भीरुता कायरता की इंतहा है। सब कुछ है, मुझे लगता है कि सब कुछ अज्ञान से जनित है, क्योंकि कायर होने का कोई अर्थ ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सीताराम गोयल जैसा इंडिविजुअल जिसके पास कोई फाइनेंशियल स्थिति भी नहीं थी, बल्कि उनके जैसे मैं कहूँगा कि रेयर स्कॉलर को 18 साल तक अपना काम छोड़ करके परिवार को किसी तरह खड़ा करने में समय देना पड़ा, इतना बड़ा नेशनल लॉस, हिंदू समाज का लॉस क्यों हुआ? इसलिए कि ये बीजेपी और ये भारतीय जनसंघ और आरएसएस को इस बात की सेंस नहीं थी कि उस आदमी का कितना बड़ा मूल्य है या उस तरह के काम का कितना बड़ा मूल्य है। और या कॉन्रेड एस्ट भी वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है आज तो, पर देखना कितना अवहेलना, कितना अपमान झेलना पड़ा कॉन्रेड को भी, और इनको कोई कदर नहीं इनके लिए। जो एक बात और मैं जी आप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ लेफ्टिस्ट तो मारेंगे ही। समझ सकते कि आप जहां भी आपने क्रिटिसाइज किया तो ये विदेशी है, ये गोरा है, इसके मन पर अहंकार है, अब बेचारा संत आदमी क्या करेंगे। और ऐसे और भी लोग हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और उस उनकी या तो अवहेलना या क्रश करना सबसे बड़ी बात है, क्रश करने का काम करते हैं, ना कि किसी को थोड़ा भी मदद करने का या उसको प्रमोट करने का, वो तो कोई कल्चर ही नहीं है। एक और बात जी, ये आखिरी सवाल है आज के लिए जी। एक तरफ इतनी इनकी ऑब्सेशन है असिमिलेशन की, कांग्रेस की सूडो सेक्युलरिज्म थी, इनकी जेन्युइन सेक्युलरिज्म का हमने देख ही लिया कि मदरसों में घुस जाओ आप, मदरसे ही चलाना शुरू कर दो। दूसरा जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह से तेजी से प्लांटिंग ऑफ चर्चेस हो रही है इनकी सरकारों की मदद से, ये कोई छुपे से काम नहीं हो रहा। तो ये जो असिमिलेशन की बात करती हैं कि हम एक हैं, डीएनए एक है, एक तो किसी मुसलमान के मुंह से, किसी क्रिश्चियन के मुंह से ये आवाज नहीं सुनने को मिलती कि हम आप में शामिल होना असिमिलेट होना चाहते हैं, वो चाहते नहीं, आप जबरदस्ती एक तो उनके बिहाफ पे एजेंडा बना के रखें। दूसरी बात, जो असली एजेंडा होना चाहिए था, अगर आप हिंदू धर्म और हिंदू समाज की रक्षा के रक्षक के रूप में खड़े हैं, तो वो था घर वापसी होनी चाहिए थी इनके माध्यम से। ये उल्टा, बल्कि इस्लाम को जो लेजिटिमेसी दे रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को जो लेजिटिमेसी दे रहे हैं, तो घर वापसी कौन चाहेगा, उसकी जरूरत क्या महसूस होगी? अगर आप कह रहे हो कि आप जो हो दैट्स गुड इनफ, दैट्स एक्चुअली बेटर देन बीइंग अ हिंदू, क्योंकि स्टेट आपको लेजिटिमाइज कर रही है। कभी इन्होंने घर वापसी का प्रयास कभी भी किया था? उनके लोग इनफॉर्मली कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि इस तरह की चीजों पर तो वो रिएक्ट करेंगे, वो लोग तो इसके बारे में बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो और लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो एक बड़ा काम है घर वापसी। जब वो बेसिक बातों के बारे में सतर्क नहीं है कि हिंदू समाज जिसके बल पर सब कुछ है, जो आपके विजन स्टेटमेंट में है, जो आपके फाउंडर ने कहा, उस हिंदू समाज की शिक्षा के लिए आपको चिंता नहीं है कि उसको बराबर की शिक्षा शैक्षिक अधिकार मिले, आरटीई में जो एंटी हिंदू प्रोविजन है उसको नहीं बदला गया,
कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 25 से 31 को सबके लिए बराबर नहीं किया गया, हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस नहीं सौंपा गया, अगर इनको इतनी समझ नहीं है तो वो तो इससे चार गुना अगला स्टेप है, चार सीढ़ी ऊपर है कि आप क्रिश्चियन को कहो कि आप क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, आप मुसलमान को कहो कि आप इस्लाम छोड़ दो, ये तो उससे कई गुना ज्यादा ऊंची बात है। तो ये तो ऐसी ही बात हुई कि जिसको मामूली अरिथमेटिक नहीं आती वो कैलकुलस कैसे करने वाला है, मुझे विश्वास नहीं है कि ये वो कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है डॉक्टर शरण कि इनके प्रति उम्मीद की निगाह से कोई ना ही देखे, और अगर क्योंकि यहां से केवल निराशा ही मिलने वाली है। और सीताराम गोयल जी ने जो वार्निंग दी थी कि दे आर क्या क्या उनके शब्द हैं, दे आर टेकिंग बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ डफर, हां दे आर टेकिंग रिलीजियस सोसाइटी, हां डफर पर, हां दे आर टेकिंग हिंदू सोसाइटी इनटू अ ट्रैप फ्रॉम व्हिच इट मे नॉट रिकवर। ये बहुत डरावनी चेतावनी है, बट ये सही है, सही लग रही है। ट्रैप के अलावा टुवर्ड्स इट्स डिस्ट्रक्शन, ये भी उनके शब्द थे, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, कहीं ट्रैप अपने वही है, ट्रैप एक बहुत मुझे लगता है कि वो काफी सारगर्भित शब्द है, क्योंकि अगर ऐसे ट्रैप में आप फंस रहे हैं जिससे आप निकल नहीं पाएंगे तो इसका मतलब यू आर फिनिश्ड, क्योंकि मे नॉट रिकवर बहुत हेवी चीज है। सो आपका भी यही मैसेज होगा जो कल नागेश्वर राव जी दे रहे थे 2-3 दिन पहले एक किसी वीडियो में, दैट आइदर आरएसएस हैज टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम इट्स लीडर्स और बेटर दैट इट पेरिशेस। अगर ये सुधरती नहीं है तो आरएसएस की तबाही ही हिंदू समाज की लिबरेशन होगी, कि जब तक ये बने रहे। ये तो सीताराम गोयल ने भी कहा था, और ये तो मुझे एक बुजुर्ग स्वयंसेवक ने ही कहा कि वो बड़ी महत्वपूर्ण वो बड़ी मीटिंग थी जो ये रफी मार्ग पर, वो कौन है, मावलंकर हॉल, मावलंकर हॉल नहीं, वो तो हॉल बहुत बड़ा है जो उनका छोटी कमेटी रूम सब वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग थी जिसमें सुदर्शन जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, अरुण जेटली थे, और इस तरह के देवेंद्र स्वरूप थे, और मेरे ख्याल से एक दर्जन ल्यूमिनरी थे, उसमें सीताराम गोयल भी थे, और ये व्यक्ति जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं खुद भी था, उन्होंने कहा कि जब इनकी बारी आई तो सीताराम गोयल ने क्लियरली कहा कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ, एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी, लेकिन मैं लगभग मुझे लगता है कि मैं हूबहू उनके शब्द दोहरा रहा हूँ, कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से देश का अहित होगा, अहित होगा, अहित होगा। ये 1996 की बात है, बिफोर द गैलेक्सी ऑफ संघ बीजेपी लीडर्स, और मैंने जितनी जगह इसकी चर्चा की, कहीं वो तो इसको सबको सब चीज को गोल कर जाते हैं, कहीं रेस्पॉन्ड नहीं करना, और ये एक तरह से ये टैक्टिक पहले चल गई, क्योंकि ये डूब जाती है, लोग जानते नहीं हैं। अब जैसे वही सुदर्शन जी का ही आ रहा है कि वो इस्लाम के बारे में कितनी मधुर मधुर बातें कहते थे। समस्या ये है कि हम अभी तक इनको सीरियसली इनके, और दुर्भाग्य यह है कि इनके जितने भी क्रिटिक थे सब लेफ्टिस्ट हैं, तो लेफ्टिस्ट तो चाहते नहीं है कि हिंदू जागरण हो, तो उन्होंने उनका कैरिकेचर तो बनाया, उनको फासिस्ट तो कहा, लेकिन सिस्टमेटिक उनके क्रियाकलाप को रिकॉर्ड करके उससे ये इमेज नहीं निकाली कि वो हिंदू समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, रादर द अपोजिट। और ये कॉनराड ठीक कहते हैं कि इस मामले में आरएसएस के लोग और उनके ओपोनेंट जो इनके बिटर क्रिटिक है, दोनों यूनाइटेड है एक पॉइंट पर कि आरएसएस ही हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है, आरएसएस इज हिंदू सोसाइटी एंड हिंदू सोसाइटी इज आरएसएस, दिस सूट्स द लेफ्ट, दिस सूट्स द इस्लामिस्ट, दिस सूट्स द मिशनरीज, एंड दिस सूट्स द आरएसएस बीजेपी एज वेल। अब समस्या यह है कि हम जो बातें कर रहे हैं इसके लिए स्पेस ही नहीं बचती है कि हिंदू दृष्टि से आरएसएस और भाजपा की आलोचना, और मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पिछले मैं 30 सालों से कॉलम और राइटिंग्स कर रहा हूं, और बीजेपी और आरएसएस की भी आलोचना के लेख मुझे लगता है कि 2001 से ही मैंने लिखे हैं, और वो इधर इतने बड़े हो गए कि अब मुझे लग रहा है कि वो एक पुस्तक रूप में आ सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि अरे आप
लेफ्ट की इतनी, ये कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी आलोचना करते हैं, आरएसएस की आपने कभी की है, तो मैं कलेक्ट करने लगा कि मैंने कितनी लिखे, तो इतनी बड़ी हो गई हो कि किताब हो गई हो सकती है। तो मैंने यह पाया कि जितनी भी उनकी आलोचना हिंदू दृष्टि से मैंने की है उसको किसी मेनस्ट्रीम अखबार ने नहीं छापा। जबकि मैं हिंदुस्तान में, जनसत्ता में, राष्ट्रीय सहारा में, मुझे लगता है कि जितने भी ट्रिब्यून में, मैं सब में लिखता रहा और वो छापते भी रहे, लेकिन जब भी आरएसएस बीजेपी की हिंदू दृष्टि से आलोचना हुई उसको जगह नहीं मिली है? और ये तो आपने गजब की बात कह दी। नहीं नहीं ये लेफ्ट भी है, ये जो मैंने मेनस्ट्रीम में भी लिखा है, तो सुमित चक्रवर्ती, जब वो निखिल चक्रवर्ती थे तभी मैं लिखता था उसमें, और जब सुमित चक्रवर्ती आए तब भी एक बार उन्होंने कहा लिखने के लिए, लेकिन मेरा लिखा हुआ उनको पसंद नहीं आया तो फिर हम लोग ड्रॉप हो गए। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि आरएसएस की, बीजेपी की जो आलोचना हम कर रहे हैं, आप ये लिख करके मेनस्ट्रीम ईपीडब्ल्यू को दीजिए, वो कोई नहीं पब्लिश करेगा, जबकि वो क्रिटिसिज्म है। क्या इसी कारण से, क्या इसी कारण से सोशल मीडिया पे अगर गाज गिर रही है तो इंडिपेंडेंट हिंदू वॉइसेस की? हाँ, वो कोई आरएसएस बीजेपी के ऊपर गाज नहीं गिर रही, केवल इंडिपेंडेंट हिंदू वॉइसेस की। और सुनने में ये आता है कि बीजेपी की, आरएसएस की सोशल मीडिया टीम भी शायद इंस्टिगेट कर रही है कि इनको जरा दबाओ, इनको चुप। इसमें क्या संदेह है, ये तो उसी समय की बात है जब वो नहीं चाहते थे कि सीताराम गोयल की बात फैले, उस जमाने में जब वो नेहरूवाद की आलोचना कर रहे थे, सेकुलरिज्म की आलोचना कर रहे थे और इनको डिफेंड भी कर रहे थे, तो अपने डिफेंडर को भी कुचलने में इन्होंने भूमिका निभाई। वो तो मैं, अगर ये 60s में ये कर सकते थे तो आज तो उनके हाथ में बहुत शक्ति है। तो मुझे लगता है कि ये पैराडॉक्स है कि हिंदू सोसाइटी की लीडरशिप पर को मोनोपोलाइज किया गया है बीजेपी आरएसएस द्वारा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये और मोनोपोली बढ़ जाए, जो ये कांग्रेस मुक्त भारत है या सारे जगहों में, सारे स्टेट में हमारा हो जाए, फिर होगा कि नहीं हमारा 3/4 से ज्यादा हमारा बहुमत हो जाए, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन पॉलिसी लेवल पर अगर हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं है, तो इसकी आलोचना की जगह कहीं नहीं है, ना लेफ्ट के तो पास अभी है, ना इसका मतलब कि कोई नया प्लेटफॉर्म, कोई नया संगठन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कम से कम नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो निश्चित रूप से होना चाहिए। और आज ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपको 10 साल पहले वो डिसमिस कर सकते थे कि आप आरएसएस के हैं, मुझे लगता है आज अगर इस तरह के लोग कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म भी अगर बनाते हैं तो उनको आरएसएस का कह के डिसमिस करना अब संभव नहीं होगा, खास करके जब ये क्लैरिटी रहेगी कि हम आरएसएस और बीजेपी से के प्रति एक तरह से निराशा व्यक्त करते हुए हम एक ये फोरम बना रहे हैं कि हिंदू समाज को अपनी रक्षा के लिए, अपने हितों के लिए स्वयं खड़ा होना होगा, और उसमें बीजेपी और आरएसएस को अपना सहयोगी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक यही कर रहे हैं कि हिंदू सोसाइटी का सपोर्ट ले करके वो ट्रांसफर कर रहे हैं इस्लाम की ओर और क्रिश्चियनिटी की ओर, इवन कम्युनिज्म की ओर। सही कह रहे, चलिए ये बहुत अच्छी वार्निंग है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा संगठन जल्दी ही कहीं उभरेगा, क्योंकि बेचैनी तो हिंदुओं में बहुत बढ़ रही है, जागरूकता के साथ साथ बेचैनी बढ़ रही है कि अब और नहीं, enough is enough, we cannot continue in this divided status anymore। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई क्लियर कट मंच, और मैं चाहूंगा कि ये नॉन पॉलिटिकल रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी रीच ज्यादा होगी, वो काम भी ज्यादा कर सकेगा, और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से वो सारे काम करा लेगा जो होना चाहिए। ये अलग पार्टी बनाना, मैंने तो एक लेख भी लिखा था कि आप हिंदू यूनिटी की बात करते हैं, आपने पार्टी जिस समय बनाई थी उस समय तो आपने हिंदुओं को ही तोड़ा, कांग्रेस तो 100% हिंदुओं की पार्टी थी, और ना उस समय इस्लाम मजबूत था, ना मिशनरी मजबूत थे, कम्युनिस्ट भी मजबूत नहीं थे, तीनों पार्टीशन की मार अलग अलग तरह से झेल रहे थे, बदनामी हुई थी मुसलमानों की, जबरदस्त बदनामी हुई थी, कोई मुस्लिम नाम से कोई एक्टिंग नहीं कर सकता था कहीं पर, सब सारे दिलीप यूसुफ खान और सलमा बेगम, उन सब ने हिंदू नाम रख रख के काम किए, तो मुसलमानों के प्रति कोई उस समय शक्ति की कोई बात नहीं थी, मिशनरी डरे हुए थे कि माओ ने सबको कान पकड़ के बाहों निकाला, अब ये लोग यहाँ से निकालेंगे,
तो जब वहाँ मिशनरी पावरफुल नहीं थे, इस्लामिस्ट पावरफुल नहीं थे, और कम्युनिस्ट भी पार्टीशन में अपनी भूमिका के कारण भीतर से मोरल का बहुत हाई नहीं था, तो आपने पार्टी बना करके किसको डिवाइड किया? लगता है कि वो अपने हिंदू को डिवाइड किया, क्योंकि कांग्रेस में भी हिंदू है, भाजपा में भी हिंदू है, बल्कि मैं कहूंगा कि बल्कि मैं ये आखिरी बात है, अगर उन दिनों की पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ी जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय की 1950s में, तो जो कांग्रेस में हिंदू वॉइसेस थी वो वाकई ही वैचारिक अच्छे लेवल के थे, पढ़े लिखे एंड कल्चरली रूटेड इन धार्मिक वैल्यूज इनके पास तो कुछ, ये तो अपने लोगों को भी नहीं जानते, मतलब इनके संगठन में भी जो पढ़ने लिखने वाले जानकार लोग हैं वो साइड हो जाते हैं, कम से कम दो चार को मैं जानता हूं जिनको अगर अच्छी जिम्मेदारियां देते तो शायद वो दो चार दस काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो टोटली पॉलिटिकल ट्रिक और चालबाजी करने वाले लोग ही बढ़ रहे हैं और उन्हीं को बढ़ा रहे हैं। चलिए, इन शब्दों के साथ डॉक्टर शरण आपका भी बहुत बड़ा रोल है इस मामले में, एक हिंदू जागृति के प्रति जो आपके लेक्चर्स हैं, जो आपके लेख हैं, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और ऐसे ही आप जैसी कई शख्सियत हैं जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर रही हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, जो जागरण का काम, जागरूकता का काम, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ऐसा देशव्यापी एक संगठन खड़ा हो पाएगा जिसमें आप और हम मिलके थोड़ा बहुत जितना भी योगदान दे सकते हैं, ताकि ये जो घुटन का माहौल पैदा हुआ है आरएसएस और बीजेपी के आने के बाद, कि ऐसा लगता था कि इनको कुछ कहें तो कहीं कांग्रेस ना वापस आ जाए, कहीं लेफ्टिस्ट ना वापस आ जाए, मुझे लगता है कि उस डर से मुक्ति पा के हमें वाकई ही उस नए संगठन की ओर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।